हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट को करते हैं, क्लास को स्टार्ट। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं? तो इसमें हम लोग बात करेंगे बिद्री वेयर आर्ट के बारे में। बिद्री वेयर आर्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे बर्थ एनिवर्सरी लॉर्ड महावीर की। तो इस फैक्चुअल ये टॉपिक है जिसको हम लोग जो है वो कवर करेंगे। देन आईटी रूल्स 2021 के अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। देन हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट वर्जन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में, जिसमें इंडिया जो है वो इलेक्ट हुई है। देन हम लोग साइबर सिक्योरिटी एंड इम्पोर्ट फ्रॉम एनएसओ ग्रुप के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बारे में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी के क्या स्टेटमेंट है तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और स्पेशली आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या, स्टेटमेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट काम का नहीं, एक बार रीड कर लेंगे बस। फिर किरित पारिक पैनल, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये फलाना पैनल जो है, फलाना कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा उसका आइडिया जो है आप लोगों को होना चाहिए, राइट। तो गैस प्राइसिंग से रिलेटेड इसने अपना रिकमेंडेशन जो है वो दिया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेंगे, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईएफसी। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में। सो दीज आर सम टॉपिक्स जिसको एक एक करके हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, बिद्री वेयर आर्ट के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो देखो, बिद्री शिल्पकार शाह रशीद अहमद कादरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। तो हम लोग को एक चीज जो है ये समझ में आ रही है, इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कादरी का। तो इनको जो है वो बिद्री ये शिल्पकार है, बिद्री शिल्पकला जो है ये करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि बिद्री जो है वो क्या है या बिद्री वेयर जो है वो क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक प्रकार का आर्ट फॉर्म है। पहला पॉइंट तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। और बिद्री वेयर जो है वो क्या है, एक मेटल हैंडीक्राफ्ट हम लोग को देखने को मिलता है बिदर सिटी जो कर्नाटक की है वहां से, राइट। तो ये बिदर सिटी का है और ये आर्ट फॉर्म जो है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। अब दो चीज आपको समझ में आ गई, बिद्री वेयर जो है वो एक आर्ट फॉर्म है, ये मेटल वर्क है, मेटल हैंडीक्राफ्ट वर्क हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, मेटल का हैंडीक्राफ्ट वर्क, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये कर्नाटक से बिलोंग करता है, ये शिल्पकला जो है वो कर्नाटक की है, ठीक है। तीन पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये तीन पॉइंट से ही जिसका आंसर आपको देना है। अब ये टेक्निक जो है ये पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस हुई है। अब देखो, ऐसी चीजें अक्सर नहीं आती है बट कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाए तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये टेक्निक जो है वो किससे इन्फ्लुएंस हुई है, पर्शियन आर्ट से। फ्लावर्स लीफ ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है वो इस पैटर्न का इसमें उपयोग जो है वो किया जाता है। मेटल जो है उसमें व्हाइट ब्रास हम लोग को देखने को मिलता है जिसको ब्लैक किया जाता है और उसमें सिल्वर की परत जो है वो चढ़ाई जाती है। बिद्री आर्टिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इस पर्टिकुलर बर्तन आप कह सकते हैं वेयर, राइट, तो उसको जो है मिट्टी की मदद से जो है वो ब्लैक जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने 15 सेंचुरी से इसको जो है वो शुरू किया था बिदार के किले से इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को, राइट। बस यही चीज है, उसके अलावा और आपको कुछ ध्यान में रखना नहीं है, इतना कुछ खास काम का नहीं कि प्रोसेस ये कैसे बनता है, क्या बनता है, ये सब चीजें नहीं पूछेंगे। बाकी बहमानी सल्तनत के बारे में हम लोग चर्चा करें तो ये क्राफ्ट जो है वो डेवलप हुआ था 14th-15th सेंचुरी में बहमानी सुल्तान्स के अंडर, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। और बहमानी सुल्तान जो हम लोग को देखने को मिलता है या सल्तनत जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम थी डेक्कन क्षेत्र की, राइट। और इस ये जो बहमानी सल्तनत जो है इसका फाउंडेशन जो हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी 1347 में हुई थी अलाउद्दीन बहमान शाह के द्वारा। बाद में जाकर ये पांच स्टेट्स में जो है वो डिवाइड हो गया और इनको डेक्कन सल्तनत जो है वो कहा जाने लगा। और डेक्कन सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा भी होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आपको आइडिया, आपकी जानकारी होनी चाहिए। अब लॉर्ड महावीर के बारे में हम लोग चर्चा करें तो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती पर भगवान महावीर की नेक शिक्षाओं को याद किया। यह अवसर
जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसा आप जानते हैं, और भगवान महावीर की जयंती का ये प्रतीक हम लोग को देखने को मिलता है। तो महावीर जी के बारे में बात करें, इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं बिहार के अंदर, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, राइट। और क्षत्रिय प्रिंस लिच्छावी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वज्जी संघ के, राइट, तो वो है ये। और 42 में इन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, ये जिन नहीं ज्ञान है, कैवल्य ज्ञान इसको जो है वो कहा जाता है, ये प्राप्त किया था। और कैवल्य ज्ञान जो है वो कैसे प्राप्त हुआ, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, ये तीन ज्वेल्स हम लोग को जो है वो जैनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, याद रखिएगा, राइट। जैन धर्म के तीन रत्न जो है वो कौन से है, सही ज्ञान, सही विश्वास और सही आचरण, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है। और ये जीना बने, जीना मतलब कॉन्करर, विजेता, और 24 तीर्थंकर ये हम लोग को देखने को मिले थे, तो जैनिज्म के अंदर 24वें तीर्थंकर महावीर हम लोग को देखने को मिलता है। और इनके डेथ की बात करें तो इनके डेथ को महापरिनिर्वाण जो है वो कहा गया, और पटना में इनकी डेथ हुई। इनकी टीचिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो इन्होंने वेद की अथॉरिटी पर जो है वो सवाल उठाया, वेद के अधिकार पर जो है वो सवाल उठाया। और इन्होंने किसको एम्फसाइज किया, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति खुद, यानी कि आप जो है आप अपने थॉट्स, अपनी बिलीफ और मानवता आप कह सकते हो, ह्यूमैनिटी, इस पर मेनली इन्होंने फोकस किया, इंडिविजुअलिज्म पर ज्यादा फोकस किया, राइट। इन्होंने एक और बताया जाता है कि जो चार वोज जो हम लोग को देखने को मिलते थे, व्रत जो हम लोग को एक प्रकार से देखने को मिलते थे जैनिज्म के अंदर, जैसे कि अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, इसके अलावा ब्रह्मचर्य जो है वो उन्होंने ऐड किया महावीर ने, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। इनके 11 गंधार्स यानी कि डिसाइपल्स, शिष्य जो थे, इंपॉर्टेंट शिष्य, अब गंधार्स जैनिज्म से रिलेटेड, इनके 11 शिष्य थे जिन्होंने अगमास यानी कि 12 स्क्रिप्चर बेस्ड ऑन हिज टीचिंग जो है वो कंपाइल किया। तो क्वेश्चन आएगा, आगम या अगमास जो है वो किससे एसोसिएटेड, जैनिज्म से एसोसिएटेड, ये कंपाइलेशन बेसिकली हम लोग को इनकी टीचिंग का, महावीर की टीचिंग का देखने को मिलता है, और प्राकृत लैंग्वेज में जो है वो ये कंपाइलेशन हम लोग को देखने को मिला, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। बाकी जैनिज्म के बारे में बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, जैनिज्म ये टर्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ है जीना से, और वैश्यास यानी कि ट्रेडर्स ने इनको सपोर्ट किया था। और इसके अलावा आगे की चर्चा करें तो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए आवश्यक के तपस्या, कर्म के माध्यम से और आत्मा की विकृतियों के लिए जिम्मेदार है। अब देखो, इन्होंने बोला है कि जन्म और पुनर्जन्म, यानी कि साइकिल जो ये बर्थ और रीबर्थ, बर्थ का हम लोग को देखने को मिलता है, उससे अगर आपको जो है वो फ्री होना है तो आप कर्मा के थ्रू उससे फ्री हो सकते हो, राइट। और जिस प्रकार से आप एक्ट कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उसी के थ्रू आप जो है वो फ्री हो सकते हो, ये चीज जो है वो इनकी टीचिंग में एक हम लोग को देखने को लिया। देखो, क्वेश्चन ऐसा आता है, क्या जैनिज्म के अंदर कर्मा की थ्योरी के ऊपर बिलीव है क्या, तो बिल्कुल है। क्या जैनिज्म के अंदर नेक्स्ट लाइफ का बिलीव है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ की जो है उन्होंने बात करी है, ठीक है। फिर 7 तत्वास जो जैन फिलोसफी के हम लोग को देखने को मिलता है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, फैक्चुअल में जो है ये चीज पूछ ली जाती है, जीव, अजीव, अश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब जैनिज्म जो है फैला हुआ है नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, इनमें जो है वो अगम्स और नॉन अगम्स जो है वो लिखे गए हैं। जैन संघ के कंपोजिशन साधु, साध्वी, श्रवक, श्रविकास ने जो है वो किए हैं। फिलोसफी के बारे में बात करें, अनेकांतवाद, राइट, तो रियलिटी थ्योरी और नॉन एब्सोल्यूटिज्म ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। रियलिटी थ्योरी हम लोग को जो है वो देखने को, नॉन एब्सोल्यूटिज्म, अनेकांतवाद, राइट। और इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अनेकांतवाद जो है, स्वार्थवाद जो है, ये किसकी थ्योरी या फिलोसफी हम लोग को देखने को मिलती है, तो जैनिज्म से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। अब जैन काउंसिल के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो जैन के अंदर हम लोग को 1st, 2nd 2 काउंसिल जो है वो देखने को मिली थी, पाटलिपुत्र की एक काउंसिल जो है वो 300 BC पे हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी अंगास के कंपाइलेशन के लिए, दूसरी बल्लभी के अंदर 512 AD को देखने को मिली, राइट, जिसमें 12
अंगाज और उपंग्स, या अंश और उपंग्स जो है उनका कंपाइलेशन हम लोग को देखने को मिलता है, दो गांव से पाटलिपुत्र और वल्लभी। तो ये चीज बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब आपको पता है श्वेतांबर दिगांबर इंसेक्ट्स के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जो है वो जानते हैं। तो दिगांबर स्काई क्लैड जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, और श्वेतांबर को व्हाइट क्लैड जो है वो हम लोग बोलते हैं, राइट, श्वेत वस्त्र वाले, और आकाश को पहना हुआ है इन्होंने, मतलब कि कोई वस्त्र जो है वो नहीं पहनते ये, राइट। और भद्रबाहु, तो क्वेश्चन आता है भद्रबाहु जो है उसने किसका नेतृत्व किया, दिगंबर का। क्वेश्चन आएगा स्थूल भद्र, इन्होंने जो है वो किसका नेतृत्व किया, श्वेतांबर का। तो ये चीज अक्सर पूछ ली जाती है, आप बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दिगंबर साउथ की तरफ जो है वो गए और श्वेतांबर नॉर्थ में ही स्टे इन्होंने किया, राइट। इनके सबसेक्ट जो है वो हम लोग को, वैसे ये सबसेक्ट पूछेंगे नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, बीसा पंथ, तेरा पंथ और तारण पंथ। और श्वेतांबर के अंदर जो सबसेक्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं, मूर्ति पूजक, स्थानक वासी, राइट, तेरा पंथी। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऐसी चीज है। वैसे तो ये सबसेक्ट तो नहीं पूछेंगे, बट ये चीज जरूर पूछ लेंगे कि किसने किसका नेतृत्व किया, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज है, थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। एंड क्लास का टाइमिंग 11:43 हो गए क्लास को। चलिए अब देखो आईटी रूल्स 2021 के बारे में तो आपको ऑलरेडी जानकारी है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जो है वो बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने नोटिफाई किए कुछ अमेंडमेंट्स आईटी रूल्स 2021 में, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। तो इस टॉपिक को मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको शायद याद आ रहा हो, इस टॉपिक के अंदर ओटीटी वगैरह को रेगुलेट करने की बात की गई थी, सोशल मीडिया इवन उसको रेगुलेट करने की बात की गई थी। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जितने भी ऑनलाइन गेम्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी से, जैसे कि फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह, राइट, और ऑनलाइन गेम्स और फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो चीजें हम लोग को देखने को मिलती, तो उसको और बेटर तरीके से रेगुलेट करने के पर्पस के लिए इसको अमेंड किया जा रहा है, राइट। तो अमेंडेड रूल जो है वो क्या है, तो इसमें ऑनलाइन गेम्स को वेरीफाई जो है वो किया जाएगा, राइट, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसके थ्रू जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो प्राप्त होगी, यानी कि उनकी कंपनीज, काफी सारी सोशल मीडिया कंपनीज का एक ग्रुप बनेगा जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगी, या सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा, जो बेसिकली रेगुलेट करेगा ये सब गेम्स वगैरह को, नए नए सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को। और देखिएगा कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऐसी तो नहीं है कि जो फेक जो है वो रिलीज हो रही है, राइट। अब गेम्स के अंदर रियल मनी इन्वॉल्व जो है वो होंगे, ये भी जो है वो चेक किया जाएगा, क्योंकि ये भी रेगुलेशन है, क्योंकि रियल मनी अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो वो उल्लंघन कर रहा है काफी सारी चीजों का, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर आप जानते हैं इंडिया के अंदर ये अलाउड नहीं है, राइट, गैम्बलिंग प्रैक्टिसेस जो है वो अलाउड नहीं है। फिर इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी का क्या होगा, तो गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी काफी सारी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, राइट, जो कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे, राइट। बट इसमें हम लोग को देखने को लगेगा काफी सारे दूसरे मेंबर्स भी जो है वो इन्वॉल्व होंगे, बोर्ड के अंदर डायरेक्टर्स होंगे हु आर फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, ऐसे लोग होंगे जिनका कोई इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होगा, राइट, गेमिंग से रिलेटेड वगैरह, तो वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपना मतलब व्यू पॉइंट जो है वो सामने रखेंगे। फिर फेक इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि फैक्ट चेक यूनिट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो रेडी की जाएगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, तो रूल्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें इनको जो है वो किस किस क्या क्या दायित्व होंगे इनके, राइट, क्या क्या चीजें इनको जो है वो करनी पड़ेगी, राइट। तो बस यही है छोटी सी चीज ऑनलाइन गेम से रिलेटेड, अब इसको जो है वो करने की बात की जा रही है। अब देखो ये ड्राफ्ट वर्जन वगैरह हमारे लिए काम का होता नहीं है, बट फिर भी एक जानकारी रखना हमारे लिए जरूरी होता है। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली रिलीज किया है प्री ड्राफ्ट वर्जन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का, राइट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, एक मिनट में। देखो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो है वो डेवलप किया गया है किस चीज के आधार पर, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन पर ही ये चीज हम लोग को देखने को मिली है, लाई गई है,
ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि एज ग्रुप 3 से लेकर 18 साल को जो है वो कवर किया जा रहा है। अब आपको ये चीज पता ना, 5+3+3+4 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी, करिकुलम जो है वो रेडी किया गया था। इसको मैंने आपको पहले बताया भी था कि इसको आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, राइट। और नेशनल, अब देखो के कस्तूरी रंजन कमेटी डायरेक्ट होता है, किससे रिलेटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, राइट। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड कमेटी हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी, के कस्तूरी रंजन कमेटी, ये सेटअप करी थी मिनिस्ट्री ऑफ ये एजुकेशन ने। और किस पर्पज के लिए जो है वो किया गया था, ये वाली चीज को डेवलप करने के लिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को जो है वो डेवलप करने के लिए। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना कि एजुकेशन फ्रेमवर्क से रिलेटेड कस्तूरी रंजन कमेटी है। अब ठीक है, इसमें स्टूडेंट जो है उनको बेसिकली अलग अलग एरियाज के बारे में जो है बताया जाएगा, राइट। देखो फिलोसॉफिकल प्री ऑक्यूपेशन ऑफ एंशियंट इंडियंस, तो इसके बारे, इसके इनके बारे में भी वंचित किया जाएगा, राइट। और मतलब वो जानकारी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो बस ये सब चीजें, इस पर कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अब सोर्स ऑफ फोकस जो है वो प्रत्यक्ष अनुमान, और फिर हम लोग को उपमान, अर्थपति, राइट, अर्थपट्टी, राइट, अनुपलब्धि, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। तो ये सब चीजें उन्होंने जो है वो शामिल करी है। 6 जो है वो प्रमाण जो है वो इसके अंदर रखे जाएंगे, कि जैसे कि 5 senses की जानकारी हो, यानी कि 5 इंद्रियों की जो है वो जानकारी हो बच्चों में, राइट। और इसमें कंक्लूजन पर बच्चे जो है वो पहुंच सके, तो इस प्रकार से उनके ब्रेन को जो है वो सेटअप किया जाएगा, राइट। एनालॉजी और कंपैरिजन जो है वो कर सके हर एक पर्टिकुलर चीज का, तो इस प्रकार से उनके ब्रेन को डेवलप किया जाएगा, राइट। तो 6 प्रमाण पर जो है वो फोकस करना है, राइट। और इसके अंदर परसेप्शन है नॉन एग्जिस्टेंस का भी, तो उसको भी जो है वो सामने रखा गया है, नॉन एग्जिस्टेंस के परसेप्शन को, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं, तो बच्चे के टोटल ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो है ये एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर रहे हैं। बट ये फ्रेमवर्क से रिलेटेड अभी आपके पास क्वेश्चंस पूछा नहीं आएगा अंटिल अनलेस कि ये फाइनल जो है वो नहीं हो जाता है, राइट। तो इसके अंदर देखो डेवलप किया जाएगा मॉरल वैल्यूज बच्चों के अंदर, बैलेंस डाइट के थ्रू, ट्रेडिशनल गेम्स के थ्रू, योगासन के थ्रू, राइट। काफी सारी स्टोरी सॉन्ग जो है वो ये सब चीजें सुनाई जाएंगी बच्चों को, पोएम सुनाई जाएंगी, राइट। फोकस जो है वो रखा जाएगा इसमें, एग्जाम्पल्स उपनिषद के होंगे, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। वंदना मिश्रा लेजेंडरी, और फिर आदि शंकर, इनके डिबेट्स भी जो है वो सुनाए जाएंगे बच्चों को। तो ऐसी चीजें जो है बता रहे हैं कि करिकुलम में ये सब चीजें जो है वो शामिल होंगी बच्चों के लिए। एम ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चों को और स्कूल एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना, राइट, चेंजेस लेकर आना एजुकेशन सिस्टम के अंदर यूज लेवल का, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की यहाँ पर बात हो रही है। इंडिया इलेक्ट हो गई है हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी जो यूनाइटेड नेशन की है, उसमें 4 सालों के पीरियड के लिए। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है, 1 जनवरी 2024 से हम यूनाइटेड नेशन की हाईएस्ट स्टैटिस्टिकल बॉडी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के मेंबर के तौर पर बन रहे हैं। इंडिया को इसकी मेंबरशिप जो है वो आखिरी बार 2004 में मिली थी, अब 2024 में जो है वो इंडिया इसकी मेंबरशिप के लिए जो है वो इलेक्ट हुई है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, तो नाम से जन में आ रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखो ये किससे एसोसिएटेड है, सांख्यिकी से एसोसिएटेड, स्टैटिस्टिक सिस्टम से जो है वो एसोसिएटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, राइट, बिल्कुल ये चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर हम लोग को देखने को मिलेगी कि ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड वेरियस डेटा जो है वो प्रोवाइड कराता है ये कमीशन, राइट, अपने आप में नेचुरल है, राइट। तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन एस्टैब्लिश हुई थी 1947 में, हाईएस्ट बॉडी है ये ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की। ये बेसिकली चीफ स्टैटिस्टिशियंस जो है मेंबर कंट्री, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टैटिस्टिशियंस जो हम लोग को लोग देखने को मिलते हैं, प्रोफेशनल्स जो हाईएस्ट लेवल के देखने को मिलते हैं यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज के अंदर, तो उनको जो है वो शामिल किया जाता है। अब स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो देखती है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन को, उनके कार्य को, और जो कि एक फंक्शनल कमीशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज की, जिसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेटअप करना और डेवलप करना, कंसेप्ट्स और मेथड्स इंक्लूडिंग इंप्लीमेंट करना नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। मेंबर्स की बात करें तो कमीशन के अंदर 24 मेंबर कंट्रीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन की, सिलेक्ट की जाती है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। और किस आधार पर, इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। 5 मेंबर आएंगे अफ्रीकन स्टेट से, 4 आएंगे एशिया पैसिफिक स्टेट से, राइट, तो अलग अलग जगह से 4 आएंगे ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 4 आएंगे लैटिन अमेरिका से, 7 मेंबर्स आएंगे वेस्टर्न यूरोपियन से और दूसरी स्टेट से, और
इनका जो टेन्योर जो होता है वो 4 सालों के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। तो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडिया 2024 से 2028 तक इसकी मेंबर हम लोग को देखने को मिलेगी। जुलाई 1999 में इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ने डिसाइड किया था कि कमीशन जो है वो हर साल मिलेगी 4 डेज ईच सेशन के लिए, यानी हर एक सेशन में 4 दिन के लिए जो है वो मिलेगी। अब देखो जैसे कि हमारे यहाँ पर स्टेटिस्टिकल जो है वो क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स हम लोग वेरियस ग्राफ जो है वो देखते हैं, जैसे पॉपुलेशन का ग्राफ होता है स्टेटिस्टिकल ग्राफ, राइट। इकोनॉमिक्स की 9th क्लास की एनसीईआरटी का शायद लास्ट चैप्टर है जिसमें अलग अलग प्रकार के पिरामिड्स वगैरह जो है वो बने हुए हैं, राइट, इजी तरीके से समझने के लिए वेरियस आंकड़ों को, राइट, मैथमेटिकल आंकड़े जो होते हैं उसको समझने के लिए। तो वो पर्टिकुलर चीजें स्टेटिस्टिक्स के दायरे में आती हैं। आपने बचपन में जो है वो आपकी क्लास एक अलग से लगती होगी शायद, स्टेटिस्टिक्स की क्लास, ग्राफ वाली क्लास जो है वो लगती होगी जिसमें आप अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स जो है वो बनाते होंगे, मैथमेटिकल फिगर्स को जो है वो इन ग्राफ्स के फॉर्मेट में जो है वो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मेट में जो है वो समझते होगे। रैंकिंग ऑर्डर को भी स्टैटिस्टिक्स हम लोग जो है वो कहते हैं। तो ये चीज होती है स्टैटिस्टिक, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काम करती है, राइट। तो आपको इसके बारे में पता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, 1999 में जो है वो लाई गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को मर्ज करके इसको बनाया गया था, राइट। और स्टैटिस्टिक विंग को जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहते हैं, एनएसओ। तो हम लोग को एनएसओ वेरियस डेटा नहीं प्रोवाइड कराता है, अलग अलग तरीके का डेटा हम लोग को एनएसओ प्रोवाइड कराता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हम लोग को डेटा जो है वो प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग वेरियस चीजें, राइट। तो ये चीजें ठीक है। इसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स का जो है वो काम करते हैं। देखो वेरियस सर्वे वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी एंड इम्पोर्ट्स फ्रॉम एनएसओ ग्रुप। तो स्पाईवेयर मेकर कॉग्नाइट ऑफन बिल्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेगेसस। तो पेगेसस के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत बड़ा ये टॉपिक जो है वो चला था पेगेसस का। शायद आपको याद आ रहा हो कि पेगेसस एक बेसिकली स्पाईवेयर था, लोगों के जो मोबाइल फोन्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिल रहे थे उनको हैक कर रहा था, और लोगों की इंपॉर्टेंट जो, यानी कि आप कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल जो लोग हैं तो उनकी जो है कॉन्वर्जेशन वगैरह, उनकी हर एक चीज जो है वो ये इसने चुरा ली थी। और बहुत बेसिकली बहुत न्यूज में चला था ये पेगासस स्पाईवेयर। तो वैसे ही एक स्पाईवेयर जो है वो बताया जा रहा है, राइट, ऑल्टरनेटिव है ये कॉग्नाइट, राइट, कॉग्नाइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो ये जो है वो टेक गियर जो है वो सेल कर रहे हैं सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये फर्म के ऊपर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं कि ये कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो है इसको यूनाइटेड स्टेट्स के जो इन्वेस्टर्स वगैरह जो है उन्होंने इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करी है। कॉग्नाइट जो है वो रेगुलरली टारगेट करती है जर्नलिस्ट को, राइट, डेसिडेंट्स को, क्रिटिक्स को, राइट, यानी कि जो भी लोग जो है वो चैलेंजिंग वाली उसमें आते हैं, जैसे कि डिसेंडेंट्स, मतलब कि जो लोग किसी चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज से परेशान है सरकार की वेरियस एक्टिविटीज से, राइट, जो ऑथोरिटेरियन रिजीम का जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट, अपोजिशन की फैमिलीज, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पूरे दुनिया भर में। तो बिना उनकी नॉलेज के उनको जो है वो टारगेट किया जाता है, उनको स्पाई किया जाता है, उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, उनकी डिवाइस और उनके अकाउंट्स को कॉम्प्रोमाइज करके। इससे पहले पेगासस स्पाईवेयर जो है उसका उपयोग जो है वो इंडियन एक्टिविस्ट के ऊपर जो है वो किया जा रहा था, जर्नलिस्ट के ऊपर, पॉलिटिशियन के ऊपर जो है वो किया जा रहा था, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली। अब साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की बात करें तो ये टेक्निक्स है कंप्यूटर नेटवर्क प्रोग्राम डेटा को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। ये साइबर सिक्योरिटी जो है वो कंसर्न है किस चीज का, ये काम करती है साइबर स्पेस को सेफ बनाने का काम करती है खतरे से। साइबर वॉरफेयर की जो है बात करें, जब भी कोई एक नेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अटैक करता है और अटेम्प्ट करता है दूसरे नेशन के कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन नेटवर्क को डैमेज करने के लिए, तो उसको वॉरफेयर कहते हैं, साइबर वॉरफेयर, यानी कि साइबर लड़ाई जो रशिया और यूएसए के बीच में अक्सर देखने को मिली है, राइट। तो हम लोग को एक बहुत ही मजबूत रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी की आवश्यकता है। नेशन के साइबर स्केप जो है, साइबर स्पेस जो है वो पार्ट है ग्लोबल साइबर स्पेस का, उसका आप आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि आपस में पूरा इंटरनेट वर्ल्ड जो है वो कनेक्टेड है। तो आपको जो है वो एक बेटर टेक्नोलॉजी पर काम करने की आवश्यकता है साइबर सिक्योरिटी, जो इंडिया के पास अभी वीक है, जिस पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
इंडिया की पोजीशन जो है वो ग्लोबल लीडर बनने में इन टर्म्स ऑफ डेटा टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन और इंक्लूजन, तो इंडिया इसके लिए आगे काम कर रही है। बट द पॉइंट इज कि इस एरिया पर जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब एरिया पर हम काम तो कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो सिक्योरिटी फीचर जो है वो थोड़ा सा वीक हम लोग को नजर आता है। इंडिया के पास पोटेंशियल भी है आने वाले समय में ग्रो करने की, एज इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी जो है वो लगातार ग्रो करती जा रही है, बट जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी, आप डिजिटलाइजेशन पे ग्रो करोगे, वैसे वैसे आप वल्नरेबल होते जाओगे साइबर खतरे से, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इस पर काम करने की सख्त आवश्यकता। इंडिया वर्ल्ड की हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर हम लोग को देखने को मिलते हैं, हर साल बहुत ज्यादा मात्रा में एप्लीकेशन हम लोग जो है वो डाउनलोड करते हैं। हाउएवर 80% ये एप्लीकेशन इनसिक्योर जो है वो होती है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। सरकार के क्या इनिशिएटिव्स है, तो आपको ऑलरेडी पता, नेशनल साइबर पॉलिसी 2013 सरकार लेकर आई, आईटी एक्ट सरकार 2000 में लेकर आई, CERTIN हमारी है जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो साइबर सिक्योरिटी से लड़ने के लिए काम करती है, साइबर स्वच्छता केंद्र, राइट? ये सब चीजें ठीक है, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो हम लोग को देखने को मिलती है, इनसे डील करने के लिए साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है वो तैयार किया, ठीक है। I4C हम लोग को देखने को मिलता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, राइट? तो ये सब सेंटर्स के नाम वगैरह थोड़े से ध्यान में रखना आप लोग को जरूरी है, बोथ सेंटर और स्टेट लेवल पर, एज वेल एज इंडस्ट्रीज को भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की आवश्यकता, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को आप स्ट्रेंथन कर सकते हो एक तो अवेयरनेस के थ्रू, क्योंकि अंटिल अनलेस आप अपना डेटा जो है वो उसमें कुछ चीज जो है वो छोड़ नहीं रहे, यानी कि उसमें कोई भी पर्टिकुलर चीज आप बोलते ना कि आप जैसे आपके पास कोई लिंक आई, आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया बिना ये जाने कि किसी नोन ने आपको लिंक भेजी है कि नहीं भेजी, राइट? कोई जो व्यक्ति आपको लिंक भेज रहा है वो ऑथराइज है कि नहीं, सही है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, लिंक पे क्लिक कर ही गायब। समटाइम्स इट हैपन पीपल आसानी से ट्रैप में फंस जाते हैं, हम लोग क्यों, लालच के चक्कर में। बाहर से आते हैं कि आपको आईफोन जो है वो 13 प्रो मैक्स जो है या 14-15 जो भी है वो आपको जो है वो 1 रुपए में मिल रहा है, बस आपको स्पिन करना ही है, देखो जीत स्पिन करो और जीत जाओगे आईफोन। वो लोग ये स्पिन किया और वहां पर वो बताता है कि ठीक है आप, आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, इसको 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, लो आप तो वल्नरेबल हुए, आपके कारण 5 लोग की और बैंड बच जाएगी। बहुत सारी ऐसी फालतू की चीजें जो है वो ऑनलाइन नजर आती रहती है, आपने भी कई बार देखी होगी, आप भी कई बार पढ़े होंगे ट्रैप में, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता नहीं पढ़े होंगे, कोई ऐसा नहीं है कि जो बचपन से ही पैदा होते सही थी सब ज्ञान प्राप्त करके आता है, कहीं ना कहीं ट्रैप में पढ़ता ही है। मैं भी पढ़ा था, एक बार मैं जिद कर रहा था पापा से कि लाओ बाबा 25,000 दो मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी, 1 करोड़ तो नहीं था, कुछ लाख रुपए थे, मैंने कहा मुझे लॉटरी लगी मुझे जाना है, रोगा डाला था मैंने घर में, कांड कर दिए थे। तो सभी लोग ट्रैप में फंस ही जाते हैं, मैं भी फंसा था, बट हालांकि पैसे पापा ने दिए नहीं थे, बहुत रोया, फिर बाद में जाके पता लगा कि हाँ यार ये तो साला ट्रैप था, अपनी लंका लग जाती पैसे दे देते तो। ऐसा हुआ, काफी सारे लोग दे भी देते हैं, कई बार दुख ये होता है कि लगता है कि जब सुनता हूं मैं कि कुछ गरीब लोग दे देते हैं। हमारे यहाँ पर जो फादर की यहाँ पर शॉप है उसी एरिया में एक अंकल की शॉप है, वहां पर एक लड़का है, उसकी सैलरी मुश्किल से शायद 8,000 रुपये होगी, उसकी करीब मान के चलो कि 6-7 साल 5 साल की जो सेविंग्स थी 500-600 रुपये महीने का बचा बचा के उस बंदे ने 25-30,000 रुपये किया और वो गए चले गए उसके लालच में आके। तो होता है, दुख तब लगता है जब गरीबों के ऊपर ये चीज जो है वो होती है। पहली एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन यूएसए और 10 और कंट्री ने इशू किया था पहली बार एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। इस कंट्री के अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टारिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस इन्वॉल्व थे। ये डिक्लेरेशन ये था कि रियलाइज करना भी है कि हम लोग को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर टेक्नोलॉजीज को जो है वो स्ट्रेंथन करना है, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी की। फिनलैंड ने ज्वाइन कर लिया नाटो को, ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिनलैंड, नाटो बेसिकली एक गैंग है जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि इस गैंग में जितने भी सदस्य होते हैं इनका कहना ये है, इनका मोटो मतलब इनका प्रिंसिपल ये है बेसिकली कि आप हमारे में हमारे सदस्य में से किसी एक को भी छेड़ोगे, किसी एक को भी मारोगे तो हम हमारा पूरा गैंग आके आपको मारेगा, तो इनका ये रहता है सीन। तो फिनलैंड, रशिया,
प्राइस और बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो फिनलैंड और रशिया जो है वो 1300 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, तो ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है। हाँ, बट जोग्राफिकली ये सब चीजें याद रखना जरूरी होता है कि इनके आसपास में कौन सी कंट्रीज है। फिनलैंड को देखना जरूरी है मैप में, तो आपके वर्ल्ड मैप आपके आसपास जो चिपका के रखा है आपने उसका यूज करो, दीवार पर जो स्टडी रूम पे चिपका हुआ है आपका वर्ल्ड मैप, जाओ फिनलैंड की लोकेशन देखो। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद फिनलैंड जो है इसने हासिल कर ली एक न्यूट्रलिटी, डिफेंस अलायंस इसने जो है वो क्रिएट किया सोवियत यूनियन के साथ, जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कॉपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। तो फिनलैंड जो है उसने शांति जो है बरकरार करी यूएसएसआर के साथ, ऐसा मानो पहला पॉइंट। फिनलैंड एक मार्शल प्लान लेकर आया, एज ट्रीटी ने प्रोटेक्ट किया इसको कि भाई ये किसी भी तरीके से जैसे बाल्टिक और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को प्रोटेक्शन जो है वो हासिल है, कि अगर वो यूएसएसआर में शामिल नहीं भी हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट भी रहना चाह रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन जो है वो दी जाएगी। तो मार्शल प्लान ने जो है अलाउ किया कंट्री को कि वो डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म का पाथ जो है वो फॉलो कर सकते हैं और ग्रेट पावर के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में चपेटे में ये नहीं आएंगे। मार्शल प्लान जो है वो यूएसए का प्लान हम लोग को जो है वो देखने को मिला था यूरोप के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की रिकवरी के दौरान। जैसे ही कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हुआ, बट हम कभी बोलेंगे नहीं कि कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ये कंटिन्यू ही हम लोग को देखने को मिला। यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, फिनलैंड की न्यूट्रलिटी जो है हम लोग को जो है वो देखने को मिली, सॉरी मतलब जो दो सुपर पावर जो थी वो खत्म हुई और एक सिंगल सुपर पावर जो है वो हम लोग को देखने को मिली। और इसी कारण फिनलैंड जो है, अब देखो पहले क्या था, फिनलैंड न्यूट्रलिटी में हम लोग को देखने न्यूट्रल था, ना यूएसए ना यूएसएसआर, इट्स जस्ट लाइक नाम, नॉन अलाइंग मूवमेंट, राइट, कि भाई ना मैं उसके चपेटे में पड़ूंगा ना इसकी चपेटे में पड़ूंगा, मुझे बीच पर इंडिपेंडेंटली रहने दो। अब यूएसएसआर जो है फिनिश हो गया और मार्शल प्लान यूएसए का हम लोग को देखने को मिला ही था, तो फिनलैंड और यूएसए की फ्रेंडशिप हम लोग को देखने को मिली। तो उसी समय जो है डिसाइड हो गया था कि आज नहीं तो कल फिनलैंड जो है वो नाटो का मेंबर जो है बनेगा, और फाइनली अब बन गया है। ठीक है, शांति के बावजूद भी फिनलैंड ने अपने आप को जो है वो इन्वेजन से जो है वो दूर रखा, राइट, आक्रमण के लिए खुद को भी तैयार किया, राइट, इतने समय से। और कंट्री ने कंपलसरली मिलिट्री सर्विस जो है वो शामिल करी, हर एक अपने जो नौजवान है, सिटीजन है, यूथ है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई, हर प्रकार की डिजास्टर ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, राइट। वो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो खर्च करती है 2% अपनी जीडीपी का हर साल। ठीक है, रीजन जो है वो नाटो ज्वाइन करने का, तो रशिया के अंदर यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वॉर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, इसकी चपेट में छोटी छोटी कंट्रीज आ ही रही हैं। और ये कुछ नहीं है यार, ये बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम लोग को देखने को मिलती है। फिनलैंड ने जो है वो इसलिए ज्वाइन कर लिया अपने आप को खुद को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया से, यूएसएसआर से, राइट। और फिनलैंड और उसकी नेबर जो हम लोग को स्वीडन देखने को मिलते हैं, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया नाटो मेंबरशिप के लिए जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा किया। अब रशिया ने यूक्रेन पर कब्जा करके छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज उनको डरा दिया कि यार कल को यार ये एक्सपेंड करेगा और हम पे भी कब्जा कर लेगा, फिर हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक चाइना, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। हालांकि रशिया की कुछ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं बोलेंगे, रशिया जो है ना वो थोड़ा सा इगोस्टिक है, उसकी इगोस्टिक पॉलिसी बोलूंगा मैं, उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं है, उसका बैकग्राउंड जो है वो एक्सपेंशनिस्ट टाइप का जो है वो नहीं है, इगोस्टिक है, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेकर जो है वो ईगो में जो है वो चीजों को ले लेता है। और क्योंकि देखो अब आप बोलोगे सर यूक्रेन का टॉपिक ईगो से कैसे रिलेट कर रहे हो, देखो मैं रिलेट करता हूँ ना, यूक्रेन किसका दोस्त, यूनाइटेड स्टेट्स का, बड़ी दोस्ती होने लगी जैसे इनकी यूनाइटेड स्टेट से यूक्रेन की, तो ईगो इसका क्लैश हुआ रशिया का, और रशिया का जैसे ईगो क्लैश हुआ रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। आपको समझना है बेसिकली जड़ को। अब आप रशिया के लिए एक्सपेंशनिस्ट शब्द तो यूज ही नहीं कर सकते, चाइना के लिए जरूर कर सकते हो, चाइना भूखा एक्सपेंशन का, रशिया नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि छोटी छोटी कंट्रीज डर क्यों रही है, छोटी छोटी कंट्री सिर्फ इसलिए डर रही है क्योंकि छोटी कंट्री देख रही है एक्सपेंशन के तौर पर, बट एक्चुअल में ये एक्सपेंशन एक्सपेंशन वाली चीज है ही नहीं रशिया की, रशिया की ईगो वाली चीज है, तो वो वाली चीज है। तो ये वाली कंट्रीज अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है और कुछ नहीं, दूसरी कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज, राइट। पर ये प्रोटेक्ट करना भी जो है ना एक वॉर को जो है वो आग देना है एक प्रकार से, क्योंकि जब रशिया देखेगा कि अच्छा फिनलैंड, अच्छा स्वीडन, आप भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, रुको आई एम कमिंग, तो ये एक इशू हो जाएगा।
जो फिनलैंड ने अपनी पॉलिसी न्यूट्रल वाली अपना के रखी थी उसको अपनाना चाहिए था। बट एनीवेज ठीक है, सब अपने प्रोटेक्शन के लिए वो काम करते हैं, इन्होंने ये काम किया वो भी ठीक है। अब फिनलैंड ने इसको ज्वाइन किया तो फिनलैंड को ऑब्वियस बात है सिक्योरिटी जो है वो प्राप्त होगी, ठीक है। रशिया का ट्रेड खत्म हो जाएगा, रशिया जो है भग जाएगा, रशिया हमें फिर उसको खतरा जो है वो देता रहेगा, ठीक है। नाटो, नाटो के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है कि नाटो की एक छोटी सी चीज जो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि नाटो के किसी भी सदस्य पर अटैक होगा तो नाटो उसको अपने सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक के तौर पर जो है वो मानता है और सभी को जो है वो एक साथ अटैक करता है, बस यही चीज है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री अलायंस है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस और 8 और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था 1949 में, इसका गठन हुआ था। इट इज लेड बाय यूएसए बोलते हैं इसको, यूएसए के नेतृत्व में है ये नाटो। करेंटली इसके 31 मेंबर्स हैं, 28 जो है वो यूरोप के हैं, 2 जो है वो नॉर्थ अमेरिका, 1 जो है वो यूरेशिया के हैं, ठीक है। ठीक है, नए मेंबर को जब भी ऐड करना पड़ता है तो सभी मेंबर्स की सहमति से ही नए मेंबर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। नाटो को जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो एक मिलिट्री कमेटी, नाटो की हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी हमें देखने को मिलती है जो बेसिकली नाटो के कमांड स्ट्रक्चर की इंचार्ज है, राइट, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस जितने भी 29 मेंबर कंट्रीज के देखने को मिलते हैं उसकी बनती है ये, ठीक है। अब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया की स्पेस पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को। ये पॉलिसी बताएगी कि क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसरो की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज की स्पेस सेक्टर में। गवर्नमेंट ने इससे पहले स्पेस सेक्टर को जो है ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर के लिए, आपको पता होगा, या प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस सेक्टर में जो है इन्वॉल्व हुए। और एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्रेमवर्क जो है वो कंट्री के स्पेस सेक्टर को नेक्स्ट 10 ईयर्स तक जो है वो कंटिन्यू रखे, यानी 10 सालों का स्पेस सेक्टर का विजन होने वाला ही है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी कंट्री के स्पेस डिपार्टमेंट के रोल जो है उनको बढ़ाना, और भी ज्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें स्पेस सेक्टर की रिसर्च में, इंस्टीट्यूशंस आए, स्टार्टअप्स आए, इंडस्ट्रीज आए। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो विजन यही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का जो है वो उपयोग करना नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ऑब्जेक्टिव यही है कि एस्टेब्लिश करना ऑपरेशनल स्पेस सर्विसेज सेल्फ रिलायंट मैनर में, यानी कि आत्मनिर्भर मैनर में, कि हम इंडिया के अंदर ही पूरी चीज है वो तैयार करें, पूरी चीज है वो बनाए, हर प्रकार के स्पेस एप्लीकेशन जो है वो रेडी करें रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू, R&D के थ्रू। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रिस्पॉन्सिबल है, राइट, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। इसरो जो है वो प्रीमियर रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर देखने को मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एक्सपेंडिचर जो है वो घट गया है, 8% से डाउन जो है वो हुआ है 2023-2024 यूनियन बजट के अंदर। अब कितने से डाउन हुआ है तो वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। FDI जो है वो 100% तक अलाउ जो है वो किया गया है स्पेस सेक्टर के अंदर, राइट, और सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही। अब देखो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो स्टेटमेंट हमारे लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सिंपल सी चीज है, हमारी कंट्री के अंदर मनी के फ्लो को बढ़ाने और घटाने से रिलेटेड ये कमेटी काम करती है। और ये किस पर्पज के लिए करती है, बेसिकली इन्फ्लेशन को, यानी कि मुद्रा फीसदी को कंट्रोल करने के मेनली पर्पज के लिए करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी पहली बाय मंथली मॉनिटरी पॉलिसी 2023-2024 हम लोग को देखने को मिली। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है क्या, तो ये कमेटी है RBI की, यानी कि एक कंट्री के सेंट्रल बैंक की, और इसको गवर्नर जो है वो हेड करते हैं RBI के। इसका टास्क जो होता है वो यही होता है कि इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट जो है वो फिक्स करना, राइट, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। सो सेक्शन 45ZB जो हम लोग को देखने को मिलता है RBI एक्ट 1934 का, तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 6 मेंबर की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाएंगे। तो याद रखना मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कौन बनाएंगे, यूनियन गवर्नमेंट, कितने मेंबर्स की होनी चाहिए, 6 मेंबर्स की। इसमें 3 मेंबर RBI की तरफ से आते हैं, 3 मेंबर सरकारी होता है, ये वाला फैक्ट भी ध्यान में रखना, शायद इसमें ये वाला फैक्ट नहीं लिखा है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसको सेटअप किया गया है, राइट, सेटअप कॉन्सिक्वेंट टू द एग्रीमेंट रीच बिटवीन गवर्नमेंट, देखो लिखा है ना, गवर्नमेंट और RBI इनके बीच में जो भी मतलब इन्फ्लेशन को लेकर टारगेट जो है, क्योंकि सरकार का इन्फ्लेशन मुद्रा फीसदी को लेकर टारगेट है, अब उस टारगेट को अचीव कौन करेंगे, एक्सपर्ट्स लोग करेंगे,
तो ये दोनों की सहमति से जो है ये पूरी चीज, सहमति का हो या एक प्रकार का एग्रीमेंट का हो, कि दोनों के बीच का एग्रीमेंट है भाई गवर्नमेंट को डेवलप करना है, ग्रो करना है, राइट। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री के अंदर महंगाई कंट्रोल रहे, अब कंट्रोल कौन करेंगे, एक्सपर्ट करेंगे, और एक्सपर्ट कहाँ बैठे हुए, आरबीआई में। तो दैट्स व्हाई ये 6 मेंबर की कमेटी होती है, जिसमें 3 गवर्नमेंट की तरफ से, 3 आरबीआई की तरफ से। बस ये चीज आपको बस थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये सब चीजें बैकग्राउंड में याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट, कि कौन सी परसी मिस्त्री कमेटी, राइट, तारापोरे कमेटी, ये बहुत पुरानी हो चुकी है ये सब चीजें, इसमें जो है वो नहीं पूछी जाएंगी। इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, बस ये चीज ध्यान में रखना। और इनको अपॉइंट किया जाता है, मतलब एक तो 3 मेंबर जो आते हैं वो आरबीआई की तरफ से हम लोग को देखने को मिलते हैं, देखो लिखा भी हुआ है इसमें, और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है, ठीक है। 6 मेंबर, 1 आरबीआई के गवर्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हम लोग को देखने को मिलते हैं, 1 व्यक्ति आरबीआई की बोर्ड से नॉमिनेट किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कमेटी के 3 मेंबर में कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो हेड होते हैं, एक आईएएस ऑफिसर, और मेंबर जो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, वो 4 साल के लिए हम लोग को देखने को मिलते हैं, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, 4 ईयर्स के लिए रहते हैं, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, याद रखिएगा। अच्छा, इन्फ्लेशन का टारगेट आपको पता होना चाहिए, 4 ± 2%, ये इन्फ्लेशन का टारगेट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पर जो है ये फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं, एमपीसी डिसाइड करती है कि रेपो रेट को जो है वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर जो है वो रखा जाए, राइट, 6.50% की हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सब जो फैक्ट्स है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, तो ये सब जो टर्म है, बैंक रेट की, बैंक रेट क्या होता है, तो ये सब चीजें जो है वो मेनली पता होनी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, राइट। बाकी ये सब आंकड़े जो है वो लगातार चेंज होते रहते हैं, तो वो सिविल सर्विसेज कभी नहीं पूछती चेंज होने वाले आंकड़े, वो पूछेगी क्या कि ये टर्म है क्या, इसका मतलब जो है वो है क्या, बस। ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है रेजिलिएंट है, तो आप देख ही रहे हो कि आज की रेट में हाई इन्फ्लेशन लेवल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। बैंकिंग सिस्टम जो है वो खराब होता जा रहा है लगातार, स्टॉक मार्केट जो है उसमें गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो टाइट होती जा रही है, राइट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण दिक्कत में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो बहुत स्थिति जो है वो खराब है। तो ये आप ये चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा कि ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी की स्थिति जो है वो खराब है, डोमेस्टिक लेवल पर अगेन, अब जब ग्लोबल लेवल पर स्थिति खराब है तो डोमेस्टिक लेवल पर भी स्थिति खराब होगी, वेरियस प्रॉब्लम्स होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की, तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। प्रोजेक्शन देखो यही है, 5.2% फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्फ्लेशन की जो है बात हो रही है, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी कंट्रोल करना, इधर इंटरेस्ट रेट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए, एंड सच एज बोरोइंग बाय द बैंक्स फ्रॉम ईच अदर फॉर मीटिंग देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट और मनी सप्लाई। अब देखो मॉनिटरी पॉलिसी में कुछ नहीं होता, पैसे का फ्लो बढ़ाना या घटाना जो है वो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है पैसे के फ्लो को बढ़ाना है या घटाना है, ये बोलेगा ना एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, इस नेचर की ये पॉलिसी होती है, या तो एक्सपेंशन करो या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। एक्सपेंशनरी में इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्शनरी में इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इंटरेस्ट रेट आप डिक्रीज करोगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, तो इसलिए तो एक्सपेंशन हो रहा है, मनी फ्लो आउट हो रहा है, सॉरी। इन्फ्लेशन बढ़ा दोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे तो जो है वो क्या होगा, लोग कम से कम पैसा जो है वो बाहर निकालेंगे, मार्केट में कम से कम पैसा जो है वो आएगा, कम से कम लोग जो है वो लोन लेंगे, तो क्या हुआ, हम लोग को देखने को मिला कि कॉन्ट्रैक्शनरी, कि पैसा मनी फ्लो जो है वो डाउन हो गया, बस। तो ये लिखा है रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या होता है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके बारे में अभी हमने बात भी करी थी, तो ये इसी में पूरा लिखा हुआ है, तो उसको एक बार जो है वो रीड करना, ये पूरी चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट नहीं लिखा है इसमें, बैंक रेट नहीं लिखा है, रेपो रेट लिखा था क्या, हाँ रेपो रेट लिखा है, बैंक रेट अलग से जो है वो लिख लो कि बैंक रेट जो है वो करना है, राइट, बैंक रेट, और कौन से रेट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, इसमें MSF के बारे में नहीं लिखा ना, एक MSF भी नहीं लिखा हुआ, MSF के बारे में भी जो है वो दिया हुआ है, तो मैक्सिमम चीज दी हुई है, बैंक रेट वगैरह इसमें बस एक चीज जो है वो शायद नहीं दी है, तो वो चीज अलग से लिख लेना। अब देखो किरित पारिक कमेटी गैस प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि गैस प्राइसिंग, नेचुरल गैस प्राइसिंग से रिलेटेड जो है वो कौन सी कमेटी है,
तो किरित पारिक कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है किरित पारिक कमेटी को नेचुरल गैस प्राइसिंग को रिकमेंड करने की। बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है, उससे ज्यादा इससे रिलेटेड कुछ चीज नहीं पूछी जाएगी। अब इस कमेटी को हेड जो है वो किसने किया, तो वो सब चीज हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेटी का काम क्या होगा, अब देखो फेयर प्राइस टू एंड कंज्यूमर, भाई जितने भी नेचुरल गैस का प्राइस जो बन रहा है तो वो प्राइस जो है ये रिकमेंड करे कि सभी कंज्यूमर के लिए वो फेयर हो, राइट, फेयर प्राइस हो, तो इसके बारे में जो है बताएंगे। अब ये सब आंकड़े वगैरह याद रखने की जो है वो जरूरत नहीं है, सीलिंग रेट कितना है तो वो सब चीजों की इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है हमारे लिए, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचुरल गैस वन नेशन वन टैक्स रिजीम के अंदर पैनल ने सजेस्ट किया कि आप इंक्लूड करो नेचुरल गैस को जीएसटी में, राइट, शामिल जो है वो करो, राइट। तो ये रिकमेंडेशन बस एक छोटा सा, बस एक सिंगल वाला जीएसटी से रिलेटेड, इसलिए ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, ये चीज इंडियन बास्केट जो है वो क्या होती है, इसे इंडियन क्रूड बास्केट भी हम कहते हैं। आप देखो ये चीज ध्यान में रखना, अब सौर और स्वीट ये दो चीज ध्यान में रखना, सौर क्रूड प्राइस और स्वीट क्रूड ऑयल प्राइस। तो सौर वाले जो फ्यूल है, ऑयल जो है वो दुबई और ओमान के हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बस ये ध्यान में रखना। और स्वीट ऑयल जो है वो ब्रेंट क्रूड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, ब्रेंट क्रूड को स्वीट ऑयल जो है वो कहा जाता है, और जो ऑयल दुबई और ओमान के है वो सौर वाले हम लोग को ऑयल देखने को मिलते हैं। बस इतनी सी, ये वाला फैक्ट बस है, इसको बस थोड़ा सा याद रखना, ये चीज पूछी जा सकती है बस। आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, अब देखो ये इसका काम क्या होगा, आईएफसी का इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एक कोई कंपनी है इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंस यानी कि क्रेडिट वगैरह पर काम करती होगी, है ना, नाम से सिर्फ इतना तो समझ में आ ही रहा है। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। सो आईएफसी प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का, पहला फैक्ट हम लोग को समझ में आ गया, वर्ल्ड बैंक के अंडर ही आता है बट प्राइवेट सेक्टर का ही है। इसका कहना है कि ये नए कोल प्रोजेक्ट पर अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ऑब्वियस ही बात है कि कोयले प्रोजेक्ट पर अभी इन्वेस्टमेंट करना मतलब एनवायरमेंट के लिए और डैमेज सिचुएशन जो है वो क्रिएट करना, राइट। अब ये पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स जो है, एम्बिशन जो है उसको फॉलो कर रही है। इससे पहले 2020 में आईएफसी ने एक पॉलिसी लेकर आई थी, इसमें कहा था कि अपने कोल प्रोजेक्ट्स को जो है वो रिड्यूस कर देगी 2025 तक 50% से, और 2030 तक पूरी तरह से कोल के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देगी, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट कोल के प्रोजेक्ट्स में नहीं लाया जाएगा। तो ये सब चीजें इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। बट आईएफसी के बारे में बात करें, 1950 में इसको लाया गया था, इसका हेडक्वार्टर हम लोग को यूएसए में देखने को मिलता है। ये लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है, फोकस करती है एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए जो है ये काम करती है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। एक्वाकल्चर क्या होता है यार, किस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्वाकल्चर, क्या किसी को पता है कि एक्वाकल्चर जो है वो किस चीज को कहा जाता है, एक्वाकल्चर, अरे मछली पालन एक्वाकल्चर है ना, फिशिंग एक्टिविटी एक्वाकल्चर, राइट। तो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 हम लोग को ये देखने को मिल रही है, लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। बिल के अंदर अमेंड किया जा रहा है कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 को, और बिल का ऑब्जेक्टिव यह है कि डीक्रिमिनलाइज करेंगे कुछ अपराध को इस कानून के तहत, यानी कि इस कानून यानी कि 2005 में कुछ अपराध थे तो उसको जो है वो खारिज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, राइट, और ऑपरेशनल प्रोसीजर जो है वो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी की, उसको ईज किया जाएगा, राइट, आसान बनाया जाएगा। इसके अंदर प्रिवेंट किया जा रहा है कि भाई आप एंटीबायोटिक्स फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस का उपयोग जो है वो ना करें जो कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए वो हो सकता है हार्मफुल जो है वो हो सकता है। एम ऑब्जेक्टिव यही है कि न्यू फॉर्म ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली कोस्टल एक्वाकल्चर को प्रमोट करना, जिसमें केज कल्चर हो, सी वीड कल्चर हो, मरीन ऑर्नामेंटल फिश कल्चर हो। अब ये केज कल्चर पता है ना आपको कि केज के थ्रू मतलब एक लिमिटेड स्पेस पर जो है वो फिशिंग कंडक्ट करना, राइट, या फिर एक डिफाइंड स्पेस पर फिशिंग करना। सी वीड कल्चर यानी कि समुद्री घास को जो है वो का प्रोडक्शन करना। मरीन ऑर्नामेंटल फिश जो ये हम लोग को घर में रखने वाली जो मछलियां देखने को मिलती हैं, पालने वाली मछली, तो उस पर काम करना। पर्ल ऑयस्टर कल्चर हम लोग को देखने को मिलता है, पर्ल जो मोतिया वाला जो हम लोग को देखने वाला सीपियां वगैरह, तो उस पर जो है वो काम करना, जिससे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो एक्वाकल्चर क्या है हमने देख लिया। पोटेंशियल इंडिया के अंदर, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग है पूरे दुनिया भर में, सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है पूरे दुनिया भर में चाइना के बाद,
राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये कुछ फैक्ट्स आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही है, इसके कारण ये सब फैक्ट्स वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। थर्ड नंबर पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखो, सेकेंड नंबर पर ध्यान में रखो, ब्लू रेवोल्यूशन तो आपको पता है, इंडिया इंडिया का फिशिंग सेक्टर से रिलेटेड है ये स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है। और तो बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको जानकारी, एक आइडिया जो है वो होना चाहिए। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अब मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।